आज फैमिली में दोस्तों आप देख रहे हैं फैसला में वाला और आज हमारे साथ हैं वसीम भाई और भी काफ़ी सारे भाई हैं कि करके मैं मिलवाऊंगा उनसे। जी वसीम भाई क्या हाल है? शुक्र है, ठीक है। आज तो मेरे आने से पहले आपने मिक्सिंग डाल ली है, बताएँ क्या क्या मिक्स किया? अभी तक 5 किलो नूडल डाली है जी, और 10 ग्राम कलर जी, 50 ग्राम ग्लैसरीन, 50 ग्राम कस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और 5 ग्राम टाइटेनियम, ठीक है, और इसके अंदर 100 ग्राम सोडियम सिलिकेट डाला। तो टाइटेनियम पानी में हल्के? हाँ जी, मिक्स किया पानी के साथ। हो गया माशाल्लाह, यानी सारे फार्मूले सीख लिया। हाँ जी, गुड, हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ से आए आप? कसूर से। अच्छा, कसूर से। भाई के साथ? हाँ जी, भाई के साथ। क्या नाम है आपका? राहिल। इनकी भाई हैं आप? नहीं, कज़न दोस्त हैं। काम करना मिलके? हाँ, मिलके काम करना। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से। शेखपुरा से। आपका क्या नाम है? अजमत अली। अजमत अली, आपने क्या करना है? बस ये मालूमात और बिजनेस वगैरह के लिए आज अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है? फरजंद। फरजंद, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी मशीनें जब जाएंगी तो उसकी वीडियो हम बनाएंगे। ये सीन से आए हुए और इनकी मशीनों का ऑर्डर है तो इन्हें आज मैं इधर साथ ही ले आया। इन्हें उर्दू नहीं आती इसलिए इनसे हम पूछते ही हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सी लगाई जा रही है? मोटी वाली, ठीक है। प्रोसेस है
करते हैं ना, ये जो हमने चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो टूट के इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। और अभी ये देखना, अभी जिसके अंदर ये वाइट दाना आ रहे हैं ना, ये जैसे जैसे इसको प्रोसेस करेंगे ये बिल्कुल ही एक कलर हो जाएगा। क्या रहे ना वाइट दाना, अभी देखना जब अगले दो प्रोसेस करेंगे उनमें ही पता। मोटी जाली से दो प्रोसेस कर लें, एक फिर ठीक से कर लेंगे, मोटी से दो करके फिर हम इसके अंदर खुशबू डालेंगे, फिर एक प्रोसेस ठीक जाली से कर लेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस ज़्यादा करते हैं ना ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, पहले प्रोसेस में टूटता है तो ये फर्क पड़ गया। अब वो वाला माल उठा के वापस, भैया वो वाला माल उठा लो मेरा, पानी में डाल देना, खुशबू हम 5 किलो नहीं, 25 ग्राम खुशबू डालेंगे साथ, इसके साथ हम 50 ग्राम पानी डाल देंगे, क्योंकि खुशबू की मिकदार होती है थोड़ी, तो उसको बढ़ाने के लिए हम पानी डाल देते हैं थोड़ी सी, चला के उतारना उसको मशीन से, थोड़ी सी चलाएँ उसको। ऊपर से स्पीड कम क्यों हो गई, नहीं ठीक है चलाएं दोबारा, बस बस ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाली पड़ी होती है बरीक ये वाली, अब ये वाली लगाएं, एक प्रोसेस इससे करेंगे, नहीं वो मोटी जाली, ये थोड़ी सी मोटे वाली है उसी के साथ लगेगी ये, फिर उसके बाद हाँ फिर उसके बाद एक प्रोसेस इस जाली से करेंगे, ठीक हो गया। अभी ये लगाने इसको आप उस पानी में खा वो देखो, ठीक है।
अभी वो दूसरी लगाइए, ब्रीक से मोटे वाली नहीं है। आप लोग इसे जितना अच्छी बार यानी प्रोसेस करेंगे ना उतना बेहतर हो जाएगा। लोग तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं करने उतना ही लोग इसको पता क्या करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, मार्केट में निकाल देते हैं, फिर शिकायत आती है जी फट गया साहब, ठीक है ना, क्रैक्स आ गए। वो हमारी अपनी गलती होती है, साबुन के फटने की ये वजह होती है, मिक्सिंग ही नहीं। जब दाना से अच्छी तरह टूटेगा साबुन की जो चीज़ें डाली है वही नहीं मिक्स होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपकी चीज़ अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छा है। अभी वो ब्रीक जाने से लगाते हैं, इससे ब्रीक इसको ये ब्रीक एक तो पानी में, हाँ इस जाली से एक दफा, एक ही दफा करना है, एक दफा इसको भी ब्रीक जाली। अब इससे जो अगला प्रोसेस है वो इससे भी ब्रीक होगा, बंद करें इसको, दोनों में कर सकते हैं कर लो, वो तो आप लोगों के है, लेकिन वो जरा और ब्रीक है, इसको और तोड़ देगी। बस ठीक है, ये खुद को नहीं, खुद को खुद ध्यान कर, नहीं नहीं खुद को खुद ही साफ हो गई, आप वहाँ साफ कर, अभी उससे ब्रीक जा लिया,
उसका बाहर निकाल। मशीन में कोई भी गलत नहीं होती, गलत होते हैं हम और गलत होता है हमारा फार्मूला। फार्मूला भी तकरीबन गलत नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ उसको बनाने का सिर्फ उसकी टाइमिंग और दूसरा उसे बनाने का तरीका। चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिसाब से डालनी पड़ती हैं, आगे पीछे डालनी पड़ती हैं, ठीक है, कोई चीज़ पहले डालनी कोई बाद में। अब हमने भी तो आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें डाली थी, बंद तो क्या इनको ही तकरीबन जब से हमने स्टार्ट किया ना वसीम भाई, जब से आ रहे हैं हर संडे आ रहे हैं, ठीक है, और हाँ जी संडे से आ रहे हैं भाई, ये तकरीबन इससे जो पहले वाला संडे था ना जब हमने फर्स्ट ये नहीं रखी थी, ये पहले भी जाते थे तो ये उन्होंने पहले क्या किया इस काम में घुसे स्टार्ट करने से पहले देखा काम को कर सकते हैं कि नहीं। अब उन्हें यकीन है कि मैं इसे बना लूँगा, बनाने की टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अरे अब देख लो मैं उधर बैठा था उन्होंने कर भी लिया, ये फायदा होता है सीखने का। अब कुछ बंदे होते हैं भाई ये पैसे आप मशीनों का ऑर्डर ले लो बस, मशीनें हमारे घर पर जाकर लो भाई, क्यों फिर बाद में तुमसे चलनी नहीं है फिर तुम लोगों ने कहने के, ठीक है ना। और ये काम कोई हफ्ते लगा के सीखने वाला नहीं है, घंटे डेढ़ में सीखने वाली चीज़ है, ठीक है ना, लोग इसे रॉकेट साइंस समझते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी जब बंदा अपना सेटअप लगाते हैं वो फिर कुछ भी तजर्बेकार हो जाता है। एक दो बार क्योंकि यहाँ पे खड़े होके देखना और यहाँ पे खड़े होके करना अपने हाथ से बड़ा फर्क होता है दोनों चीज़ों में। अभी देखना बिल्कुल बेस्ट हो गया, पिछली बार किया था ना ये वाली जाली अंदर ही लगा दी थी, ये वाली जाली वो अब इसका ना इस यही वीडियो देख के ना 10 इंच का ब्लोडर चला रहा था तो उसने क्या किया, उसने भी ये जाली लगा दी, साबुन फट फट के निकले, 10 इंच है जोर लगना है गर्म हो गया। वो मुझे कह रहे हैं यार ये इस तरह फट के निकल रहा साबुन, मैं कह ज़रा जालियाँ दिखाना किस तरह लगाई, वो ही हुआ, ये जाली भी लगा रखी थी साथ, ठीक है। मैं कहा आपको किस बेवकूफ ने कहा, कह रहे आपकी वीडियो देखी थी वहाँ पे चुप, फिर मुझे याद आया मैंने कहा इन्होंने पिछले संडे इस तरह किया फिर ये नहीं उसको मैंने ये वाली मोटी जाली लगाई फौरी उसी वक्त बार सही हो गया। हाँ निकाल क्योंकि वो ब्रीक है ना, इधर भी आके जोर लगना है, ठीक है, पीछे से भी जोर लग रहा होना तो मशीन ने तो गर्म होना है, माल चीड़ बन जाएगा। यानी उस वक्त मुझे हंसी भी आई तो मैंने कहा यार उस बंदे ने सीधा यही जवाब दिया आपकी वीडियो देखी थी, फिर मुझे याद आया मैंने कहा ये वसीम भाई और ने उस दिन किया था। पहले ये लगा
पता नहीं। खास तौर पे अपने यहाँ पे पाकिस्तान में ना ज़्यादा जो लोग छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना ज़्यादा कॉपी करते हैं उसकी लक्स जी मलेशियन लक्स है ना जो इंडोनेशियन मलेशियन, क्योंकि पाकिस्तानी लक्स को कोई कोई कॉपी करता है तो उसमें ना एक चीज़ ये भी बड़ा मायने रखती है बार, ठीक है ना, बार भी अगर अगर डाई के मुताबिक नहीं होगा ना तो सब फटेगा बनने के बाद यूज़ करने में, ठीक है। अब ये है ये 140 135 पे फिट है, बिल्कुल 140 135 पे, ठीक है ना, इधर से उतना डाई जितना ही बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, डाई इसको पूरा स्टैम्प करेगी, सही, ठीक हो गया। और ये हम तो जो डाइयाँ बनवाते हैं ना मैं तो ये डाई वाले से, क्योंकि उनकी सीएनसी होती है डाइयाँ, ठीक है ना, मैं डाई वाले से ये वार्शल बनवाऊँ, वर्कशॉप में ना बने कम ज्यादा, वो वहीं कंप्यूटर है जिसको वो ज़रा बेहतर हो जाता है, ये हीटर लगाना होता है। हाँ जी वेस्टेज भी काफ़ी कम हो जाती है। हाँ जी मैम हीटर, हाँ जी अब हीटर हीटर सिंपली 220 वाट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं जो ये मेरा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मैं अपना स्ट्रक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक हो गया। तो हम तो डाई छोटी लगाते हैं, हीटर भी छोटे लगाते हैं, ये जो डाई है ना ये पीछे से भी यूँ खुली होके आ रही है, ठीक है, हमारी डाई होगी ना जन सी वो पीछे से खुली होगी, आगे आके यूँ होती है तंग होती ताकि जोर लगे पीछे से खुली। अब भाई ये जो ये हीटर है, हाँ जी ये हीटर ये गर्म करेगा इसको जी, गर्म करेगा इसको, ये सिर्फ स्टार्ट से होता है क्योंकि थोड़ा सा इसको हीट देनी पड़ती है, अगर ना भी लगाओ ना तो मुश्किल नहीं है, जिस तरह मशीन थोड़ी सी चलेगी ना 10-15 फुट बाहर निकलेगा, क्योंकि पहले 3-4 फुट तो बाहर वापस डालना पड़ता है, ठीक है, शाइनिंग आने तक। तो ये चीज़ तो ज़रा मशीन भाई को बेहतर पता है, वो हर बार देखते हैं, तो अगर मशीन रेगुलर चलती रहे ना तो आपको हीटर लगाने की जरूरत नहीं है, खुद पीछे से हीट होकर आ रहा था, फार्मूला आपका बेहतर होगा, मैं यार शुरू से भी नहीं कर पाता, ठीक है, हाँ जी थैंक यू, चले जी ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये उसी तरह डालना ज़रा थोड़ा सा दबा दबा के, डाई में जमा होता है ना, जब डाई में पूरा माल जमा हो जाता है ना फिर उसके बाद निकल जाएगा, अभी ये पूरा जमा हो गया, ठीक है, स्टार से जो स्टार होगा, अभी देखिए यहाँ से बाहर कैसा है, जैसे जैसे निकलता आ रहा है प्रॉपर सही है। डाई नहीं साफ की अंदर से, हर बार ये डाई साफ करना भूल जाते हैं, अभी जैसे जैसे ये निकलता जाएगा ना इसकी शाइनिंग बढ़ती जाएगी और ये साफ होता जाएगा। मैं अपनी बड़ी मशीन चलाता हूँ ना 10 इंच वाली, उसमें तो तकरीबन कम से कम 20-25 यानी फुट बार है उस पर, यानी स्पीड कंट्रोलर नहीं होते उसने निकाले आ रहे, वो तो कह 10 इंच से ना 2 इंच का बार निकाले, 18 चक्कर होते हैं।
जिस तरह निकलता जा रहा है ना, साफ होता जा रहा है। और ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये वाली, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, ये डाई के अंदर है, इसके अंदर जो साफ नहीं है। और ये जो 5-6 किलो का फार्मूला होता है ना, जिसमें कम से कम बंदा 100-150 किलो बना रहा है ना, वो तो रेगुलर प्रोडक्शन होती है। लेकिन मशीन की कैपेसिटी 50 किलो की है सर, 10 मिनट लग रहे हैं मिक्सिंग पैक में। मेरे पास 50 के जी वाला मिक्सर है, 200 के जी एक बार मिक्सर, 50 सेम क्या, बस इधर से मिक्स किया उधर डाला है, अभी उधर मिक्स किया हुआ डाला है तो पुराना खत्म हो जाएगा। इसको भी कर दो, अब बाकी जो निकलेगा ना उसको सब। यहाँ पे रख के कटर का मकसद ये है कि आपने अपनी ग्रामिंग सेट कर ली है, जिसमें ग्राम का बार है, ठीक है। तो अगर 140 ग्राम की डाई है तो बार आपने 145 ग्राम का बार है, वेस्टेज उसकी है ना जो सी, वो 5 ग्राम वेस्टेज उतर जाएगी, ठीक है। ठीक है, ज़रा आपके कटर, अरे बैठो बैठो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये डाई हैंडमेड डाई है, हाथ से बनी हुई है, हम ये नहीं बनवाते, हम सीएनसी वाले बनवाते हैं, सीएनसी। इससे तकरीबन 6 किलो ये नहीं तो होगी ना, 4.5 किलो तकरीबन, 6.5 किलो मारे जरा इसको, मारे जरा 2-3 मारे थे, एक और सुखा लें। सुनाए कैसा फील हुआ पहली बार अपने हाथ से साबुन बना? अच्छा लगा, साफ है बिल्कुल, शाइनिंग है, ठीक है। दिखाएं जरा एक मिनट, ये जो ऊपर ये गुलाबी सा हल्का सा लगा है ना, ये डाई के अंदर, डाई के, ठीक है। बाकी पहले कलर जो लगा, हाँ जी, अभी तो ये जिस तरह अगर इसको थोड़ा सा इसे इस बार को थोड़ा सा ठंडा करके पंच करेंगे ना जी, जी, और आउट क्लास शाइनिंग देगा। गर्म करते हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट ठंडा कर लीजिए। हाँ जी, अभी ये जो खुशबू रेक्सोन है बीच में, और खुशबू है ना जो उनसे इसमें जिस तरह साबुन सूखता जाएगा ना, उस तरह उसका खुशबू बढ़ती जाएगी। कुछ लोग होते हैं साबुन ना बनाते ही उस पर लगा देते हैं और फिर कहते हैं फट गया, सही नहीं। साबुन को कम से कम हमने लगाना 48 घंटे के बाद, क्योंकि साबुन के अंदर जो मालिक्यूल डाले हैं ना हमने, जो ये केमिकल्स डाले हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो रिएक्शन है 48 घंटे में ठंडा हो जाता है, और ये क्रैक्स इस वजह से आते हैं क्योंकि साबुन अंदर से गर्म होता है, तो हम बाहर से उसे पानी लगा के ठंडा कर देते हैं, साबुन अंदर से बॉयल हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वो हवा निकालता है अपनी, तो हवा जहाँ से निकलेगी क्रैक्स डाल देगा, उसको क्रैक्स कहते हैं। 48 घंटे के बाद इसको यूज़ करना है, ठीक है। सुनाए कैसा लगा, ये क्या फीडबैक आप लोगों को? बेहतरीन है, ठीक है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है? इजी है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, हर नॉर्मल बंदा कर सकता है। एक से दो बार देखें तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, इसीलिए कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो ज़्यादा मुश्किल पेश आए। इजी है ना? हाँ जी, बिल्कुल इजी। अगर किसी को फिर भी कोई इसमें मुश्किल बात हो तो आपसे रब्ता करके मालूम दे सकते हैं, आप अवेल हैं, सबके लिए आसानी से मतलब नंबर आपका मिल सकता है यूट्यूब से, चैनल से। बिल्कुल, हमारे नंबर चैनल की हैकिंग की वजह से कुछ हमारे यानी मिसगाइड किया लोगों ने जी, जी। वो हमारे नंबर वहाँ से यानी अपने नंबर दे के लोगों को हमारा नाम लेके बातचीत किया। जो बंदा आपका नंबर मिस यूज़ करेगा वो गार्ड भी आप मतलब ठीक से नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो अभी इसमें ये है कि हम अपना नंबर देते हैं, ठीक है। जो नंबर होते हैं हमारे खुद के होते हैं, या मेरा होगा या वालिद साहब का होगा, इसके अलावा हमने कोई तीसरा बंदा भी नहीं रखा हुआ जो हमारी कॉलें सुने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने कॉल की है ना तो आपने वीडियो देख के कॉल इसलिए की है कि आपकी अफाक से बात हो, तो अफाक से ही होनी चाहिए ना कि अफाक के नुमाइंदे होने चाहिए, ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी, आपका क्या जी फीडबैक? बहुत अच्छा काम, बेहतरीन है, आसान है, आसान है। वसीम भाई आप बहुत जबरदस्त, फैंटास्टिक आप जी, बहुत अच्छा।
ठीक है, आसान है, कर लोगे अपनी मशीनों पे काम? ठीक है, ठीक हो गया जी। तो आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में और और किसी और जगह पे मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक मेरा नारा है, अब कमाएगा पाकिस्तान आफाक साहब वाले के साथ।